अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब मज़े में है। अच्छा जी, अब आज मैं निकला हूँ इस भाई के साथ, टुक टुक वाले के साथ। तो इससे मेरा इन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं बुक करवाता हूँ। हेलो हेलो सर, आज वो ओके। तो इन्होंने सबसे पहले तो सबसे ऊंचा टावर है, आप देख सकते हैं कोलंबो का। तो इधर से फिर घूमेंगे, तो इन्होंने उनसे डन किया है, मेरे ख्याल दो घंटे लगेंगे उसमें। तो 600 रुपीज़ श्रीलंकन रुपीज़, तो नॉट बैड। तो काफ़ी अच्छा, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने कर लिया विज़िट, तो अभी चलते हैं किसी और साइड पे। अभी नेक्स्ट जाएंगे, देखते हैं भाई से पूछते हैं किधर जाना है। तो बैठते हैं बच्चे में इधर का रेलवे म्यूजियम, ये रेलवे म्यूजियम है इधर, लेकिन फिलहाल बंद है। लेट्स गो। इधर जो है ना टुक टुक है, इजी है, मतलब मिल भी जाता है हर जगह से, इतना महंगा नहीं है, सेम तकरीबन पाकिस्तान जैसे। ये अभी ले आए मुझे हिंदू टेंपल है इधर एक, उधर आप देख सकते हैं काफी अच्छा व्यू है, ये बहुत ऊपर है। ये टावर भी इधर, इधर से अभी हम आए हैं, वो भी पास ही है। तो मैं किसी अपना बैग ले लूँ यार, बैग अंदर ही रह गया था। तो उधर देखते हैं अंदर जाके, अंदर क्या सीन है कोई जी। इधर भी है काफ़ी सीन, ये आप देख सकते हैं। इधर मेरा ख्याल ख़त्म है, चलें जी इधर क्या देखना है, बाकी चलने के। Yes? हिंदू लोग यहाँ रहते हैं और ये हिंदू स्कूल है। ओके ओके, तो अभी चलते हैं कहीं और पे, आपको भी साथ करवाते हैं आज कोलंबो सिटी का टूर। ये इनकी को बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, कहता है वो बोला वो रहता है इधर का वाइट हाउस है ये। और अभी ये इनकी पार्क है, अभी इधर ये इधर का जो तोहफा है कोकोनट, ये भी ट्राई करते हैं। अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। गुड इंडिया, वेरी नाइस, टेस्टी है यार। पहली दफा ट्राई की है मैंने ये वाला नारियल, दफा टर्की में किया था वो तो तरह का था, ये और ये अच्छा है। नारियल तो लिया हम, अब चलते हैं किसी
किसी और जगह पे, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आया। इधर से नारियल पी रही है इधर के 100 रुपये का, यानी पाकिस्तानी बनते हैं को 70-80 रुपये बनेंगे मेरा ख्याल है, तो इतना महंगा नहीं है। इधर का मालदीव से बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो इधर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है चाइना ने, ये बोल रहे थे, कह रहे थे नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे सारे हर चीज़ चाइना ने खरीद ली होगी। चाइना इधर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ एरिया तो उन्होंने खरीद लिया हुआ है, तो काफ़ी बिल्डिंग्स उन्होंने खरीद ली है, तो अभी कह रहे थे कब जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे एवरीथिंग चाइना। चलते हैं आप आगे किसी और जगह पे। ये इनकी को पुरानी बिल्डिंग है सामने, ये आप देख सकते हैं, तो इधर चलते हैं देखते हैं इधर क्या सीन है। वाह, इधर इनका ना जो आज़ादी का दिन है वो 4 फरवरी है, तो उसके लिए वो तैयारियाँ कर रहे हैं, सामने स्टेज वगैरह लग रहे हैं, अब देख सकते हैं। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, मौसम इधर तो देखने इधर ज़्यादा रहती मेरे ख्याल गर्मी है। वीडियो को करवा दिया था उन्होंने बंद, कह रहे सिर्फ पिक्चर ले सकते हैं वीडियो नहीं बनानी, तो अभी इधर देख लिया, तो अभी चलते हैं फिर किसी और जगह पे। तो माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है श्रीलंका के अंदर भी। अभी मेरा प्लान है कैंडी जाने का, एक दिल कर रहा जाऊँ एक दिल कर रहा ना जाऊँ, तो देखते हैं फिर उधर क्या है। सफाई इधर काफ़ी है, पाकिस्तान से ज़्यादा सफाई। ओके, तो चलते हैं अब किसी और जगह पे, देखते हैं। ये जनाब रास्ते में बुद्धा की पिक्चर आई थी, तो उधर को आया भाई को, जनाब स्कूल है, लोग बच्चों को लेने आए हुए हैं, स्कूल वाला एरिया। ये इधर का नेशनल म्यूजियम है, ये इधर जनाब सुनामी आई थी, थोड़ा देर पहले कह रहे थे ये हर चीज खत्म हो गई थी, काफ़ी लोग जो है ना फायदे थे उधर, और अभी फिर उधर उधर जितने भी हैं फायदे थोड़ा सा लाभ हर एक बंदे को लाभ नहीं भगवान ने रखे। तो इधर से पीते हैं हम चाय, कहते हैं इनकी चाय बहुत टेस्टी होती है। अच्छा, उन्हें मैं बोला था चाय पीनी है, तो वो चाय वाली दुकान पे ले आए थे, तो अभी मैंने कहा नहीं यार मैंने तो चाय पीनी है, तो अभी कहीं और चलते हैं। अभी काफ़ी घूम लिया है तो मैं थक चुका हूँ, तो मैंने भाई को बोला कि मुझे होटल ड्रॉप कर दो, तो इंशाल्लाह अभी फिर मिलेंगे नई वीडियो को आगे से, नई जगह देखते हैं किधर जाना है, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।